हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और DBMS पार्ट 5 में हम देखेंगे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, तो ER डायग्राम देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है DBMS का। ठीक है, तो सबसे पहले तो ER डायग्राम जो डेवलप्ड किया गया था वो पीटर चेन के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, पीटर चेन ने ER डायग्राम डेवलप किया था 1976 में। ठीक है, उसके बाद ER डायग्राम के नोटेशन में बहुत सारे रिफाइनमेंट हुए हैं, कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि ऐड की गई थी चार्ल्स वॉचमैन और जेम्स मार्टिन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो है पीटर चेन का। ठीक है, ये नाम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पीटर चेन, ठीक है, पीटर चेन या फिर ER नोटेशन जो है, ठीक है, ER नोटेशन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि है चेन नोटेशन। ठीक है, चेन नोटेशन। ठीक है, तो अगर आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि ER डायग्राम को और कौन से नोटेशन के नाम से पुकारा है, मतलब जाना जाता है, तो ऑप्शन में अगर दिया हुआ चेन नोटेशन तो वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी था क्योंकि ER को दूसरे नाम से भी जाना जाता है तो उसको बोल सकते हैं आप चेन नोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पता कर लिया कि ER डायग्राम डेवलप किया था चेन ने, पीटर चेन ने, और डेवलप हुआ था 1976 में। उसके बाद कुछ रिफाइनमेंट और कुछ और सिंबल्स ऐड किए गए जो चार्ल्स वॉचमैन एंड जेम्स मार्टिन के द्वारा किए गए थे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये आती है कि ER डायग्राम है क्या। ठीक है, तो ER डायग्राम इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, एक एंटिटी का, ठीक है, एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से रिलेशनशिप क्या है उसको डिस्क्राइब करता है हमारा ER डायग्राम। ठीक है, तो अब ये भी पता चल गया है कि ER डायग्राम क्या होता है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ ये आती है कि वाई ER डायग्राम। ठीक है, ER डायग्राम हम बनाते क्यों हैं। ठीक है, तो ER डायग्राम बनाते क्यों, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ ER डायग्राम की, ठीक है, तो ER डायग्राम जो है आपका पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसको SDLC भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक स्टैंडर्ड SDLC के 6 फेस होते हैं। ठीक है, 6 फेस होते हैं, एक तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है, उसके बाद आता है डिज़ाइन फेस। ठीक है, तीसरा फेस होता है कोडिंग, जिसको इम्प्लीमेंटेशन फेस भी बोलते हैं। चौथा फेस होता है टेस्टिंग, पाँचवा फेस होता है डिप्लॉयमेंट, और छठा फेस होता है आपका मेंटेनेंस। ठीक है, तो सबसे पहला फेज़ होता है रिक्वायरमेंट को गैदर करना। ठीक है, रिक्वायरमेंट को गैदर करने के बाद जब डिज़ाइनिंग फेज पे आते हैं, ठीक है, तो डिज़ाइनर क्या करता है, ER डायग्राम आपका बना के देता है किसको में कन्वर्ट कर पाता है। ठीक है, तो जो डिज़ाइनिंग फेज है, तो डिज़ाइनिंग फेज में हमारा ER डायग्राम आता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का। ठीक है, एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट का के लिए हमें मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर तैयार करना है स्टूडेंट और प्रोजेक्ट की, जिसमें डिटेल होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट सबसे पहले गैदर करेंगे SDLC के हिसाब से। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे मतलब रिक्वायरमेंट कलेक्ट करेंगे स्टूडेंट और प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो हमें पता चलेगा स्टूडेंट में जो हमें चीज़ें लेनी है, ठीक है, वो एक तो लेनी है SID लेनी है, ठीक है, स्टूडेंट की ID लेनी है, स्टूडेंट का नेम लेना है हमें, ठीक है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लेनी है, ठीक है, और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लेना है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट ID लेनी है और प्रोजेक्ट का नेम, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर तैयार करना है। ठीक है, तो ये डिटेल हमें चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट फेस होगा SDLC का, कि हमने रिक्वायरमेंट को गैदर कर लिया। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है, और भी चीज़ें इसमें होती हैं SDLC में। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, रिक्वायरमेंट को कलेक्ट कर लिया। अब क्या दूसरा फेस क्या होगा, डिज़ाइन का फेस। ठीक है, जो डिज़ाइनिंग फेज है, इसको अब इस रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन के रूप में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, ये स्टूडेंट जो है ये हमारी एंटिटी हो जाएगी। इसी प्रकार जो प्रोजेक्ट है वो भी हमारे लिए एक एंटिटी होगी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इस स्टूडेंट और इस प्रोजेक्ट के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये स्टूडेंट, इस स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में उसके लिए एक डायग्राम तैयार करेंगे। ठीक है, वो डायग्राम क्यों ही बोलते हैं हम, ER डायग्राम। ठीक है, अब जो डायग्राम है, तो डायग्राम के लिए भी एक लैंग्वेज है जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बनाई गई है, वो लैंग्वेज है UML। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है, हमने पढ़ा SDLC। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि
ईआर डायग्राम एसडीएलसी के किस किस फेस में बनाया जाता है? तो ईआर डायग्राम एसडीएलसी के डिजाइनिंग फेस में बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें यूएमएल की। तो यूएमएल एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन में जो हम सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, उस डॉक्यूमेंटेशन में जो भी डायग्राम हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, तो वो सारे डायग्राम जिस लैंग्वेज में बनाए जाते हैं उसको यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज भी तैयार की गई थी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसको ही हम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो यूएमएल में डायग्राम भी दो टाइप्स की यूएमएल होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल होती है, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल होता है, ठीक है, और दूसरा होता है बिहेवियर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में आपका यूज केस आ जाता है, ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम आ जाता है, कोलैबोरेशन डायग्राम आ जाता है, स्टेट चार्ट डायग्राम आ जाता है, एक्टिविटी डायग्राम आ जाता है। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर में क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम और डेवलपमेंट डायग्राम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर जो ऑब्जेक्ट डायग्राम है, ठीक है, उसी को आप ईआर डायग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डायग्राम या फिर ईआर डायग्राम। ठीक है, तो यूएमएल में स्ट्रक्चरल डायग्राम जो है, ठीक है, स्ट्रक्चरल जो डायग्राम है, ठीक है, तो यूएमएल का जो स्ट्रक्चरल डायग्राम है वही ईआर डायग्राम है आपका। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि स्ट्रक्चरल डायग्राम का एग्जांपल कौन सा है और ईआर डायग्राम ऑप्शन है, तो ईआर डायग्राम को आप टिक कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर ये ईआर डायग्राम नहीं हुआ तो क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम या डेप्लॉयमेंट डायग्राम भी आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक लैंग्वेज बनाई जाती है जो कि हमारी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के ही अंदर हमारी आती है ईआर डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया कि ईआर डायग्राम क्या होता है, ठीक है, और दूसरी बात उसको क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमें डिज़ाइनिंग करने के लिए, क्योंकि एक बार हमने ईआर डायग्राम बना लिया, ठीक है, तो ईआर डायग्राम को बार बार रिफाइन करता है, तो ईआर डायग्राम डिज़ाइनिंग फेज में बनता है, तो बनाता कौन है? डिज़ाइनर बनाता है इसको। ठीक है, तो डिज़ाइनर क्या करता है? ईआर डायग्राम तैयार करता है। ठीक है, तो ईआर डायग्राम बार बार उसको रिफाइन कर करके एक अच्छा ईआर डायग्राम तैयार करेगा, क्योंकि अगर एक अच्छा ईआर डायग्राम नहीं बना तो ये सारी की सारी जो भी डिटेल है, ठीक है, ये डिटेल हम बना रहे हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट के लिए, स्टूडेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट और प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब इसका एक डेटाबेस तैयार करेंगे हम। ठीक है, और अगर ये डिटेल हमने सही तरीके से नहीं बनाई तो हमारा जो डेटाबेस है वो सही नहीं होगा, मीन्स कुछ डेटा करप्ट ही हो सकता है, तो इसके कारण पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। ठीक है, तो एक अच्छा डिज़ाइनर एक अच्छी डिज़ाइन तैयार करके क्या करेगा, इस डिज़ाइन को टेबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इस टेबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये पूरा का पूरा डेटा दे दिया जाता है कोडर को। ठीक है, तो कोडर क्या करता है, उन टेबल्स का जो भी डेटा होता है वो स्टोर करता है डेटाबेस में। ठीक है, कोडिंग के माध्यम से, उसी को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेस। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ईआर डायग्राम की डिटेल पढ़ ली। अब हम ईआर डायग्राम्स के टर्म्स के बारे में जानते हैं। अब हम देख रहे हैं ईआर के टर्म्स। ठीक है, तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में सबसे पहला टर्म है हमारा एंटिटी क्या है। ठीक है, तो एंटिटी एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट हैव सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकती है एंटिटी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात की थी स्टूडेंट और प्रोजेक्ट की। ठीक है, तो स्टूडेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमें डायग्राम तैयार करना है ईआर। तो स्टूडेंट और प्रोजेक्ट हमारी क्या होंगी? एंटिटी होंगी। ठीक है, स्टूडेंट हुआ और प्रोजेक्ट हुआ, एंटिटी होंगी। दैट हैव सम प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पास भी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि उसका आईडी है स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो स्टूडेंट एंटिटी है, इसी प्रकार हमारी प्रोजेक्ट भी एंटिटी है और उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे कि एस आईडी हुआ, एस नेम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, मोबाइल नंबर हुआ। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट आईडी हुआ और प्रोजेक्ट नेम हुआ। ठीक है, तो ये होती है एंटिटी। ठीक है, तो एंटिटी कुछ भी हो सकती है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, बस उसके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब एंटिटी को यहाँ पे ईआर में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से। ठीक है, एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से। अब दूसरी चीज़ है एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज़। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या है? प्रॉपर्टी है एंटिटी की। तो स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के अंदर एस आई डी है। ठीक है, तो एस आई डी क्या होगी आपकी?
एस आई डी एट्रीब्यूट होगा एक, ठीक है, एस नेम है, ठीक है, ये भी क्या होगा एक एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ भी एक एट्रीब्यूट होगा, मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो मोबाइल नंबर भी एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है ओवल शेप से, ठीक है, इस एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है ओवल शेप से, ठीक है। तो ये था हमारा एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ठीक है। तो तीसरी चीज़ होती है एंटिटी टाइप, ठीक है। तो एंटिटी टाइप क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एंटिटी दैट हैव सेम एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ एंटिटी दैट हैव सेम एट्रीब्यूट्स। अब मान लीजिए स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट है, अगर इसी स्टूडेंट का ग्रुप, अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट्स का ग्रुप, ठीक है, स्टूडेंट्स के जो ग्रुप है, मतलब कलेक्शन बहुत सारे स्टूडेंट का हो, तो इसी को बोल देंगे हम एंटिटी टाइप, ठीक है, एंटिटी टाइप या फिर एंटिटी सेट, एक ही बात है, या फिर एंटिटी सेट, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ एंटिटी ऑफ सिमिलर टाइप दैट हैव अ सेम एट्रीब्यूट, क्योंकि इस एंटिटी में जैसे कि स्टूडेंट एंटिटी है, तो स्टूडेंट एंटिटी में एस आई डी है, एस नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो सेम एंटिटी है और एट्रीब्यूट सेम है उस एंटिटी के, ठीक है, स्टूडेंट आई डी और एस आई डी के एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो कलेक्शन होगा, ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट का जो कलेक्शन होगा, तो वो क्या होगा हमारा एंटिटी टाइप। अब बात होती है फोर्थ की, रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या है, तो एसोसिएशन अमंग एंटिटीज, ठीक है, तो एंटिटी का एसोसिएशन दूसरी एंटिटी से, ठीक है। तो ये एसोसिएशन कैसा हो सकता है, एक तो ऐसा एसोसिएशन हो सकता है कि एक एंटिटी हो, ठीक है, उसका एक ही एंटिटी, ठीक है, एक ही एंटिटी उससे एसोसिएट हो, ठीक है, एंटिटी वन जो है, ठीक है, उसका रिलेशनशिप जो है एंटिटी टू से हो, ठीक है। तो इस तरीके की एंटिटी के, एक एंटिटी का रिलेशनशिप दूसरी एंटिटी से है, तो इस तरीके की एंटिटी को हम बोलते हैं वाइनरी एंटिटी, ठीक है, वाइनरी एंटिटी, जिसमें डिग्री क्या होती है, टू होती है, क्योंकि यहाँ पे एंटिटी कितनी है, दो एंटिटी है, ठीक है। इसी प्रकार अगर तीन एंटिटी होती है यहाँ पे रिलेशनशिप में, तीन एंटिटी होती तो डिग्री होती है हमारी थ्री, ठीक है, डिग्री होती थ्री, उसको हम बोल देते टर्नरी, टर्नरी रिलेशनशिप, ठीक है। वो तीसरी होती है एन अरी, ठीक है, मतलब डिग्री एन, ठीक है। तो एंटिटीज कितनी होंगी यहाँ पे, एन एंटिटी होंगी, ठीक है, एंटिटी एन होंगी, ठीक है। तो ये होता है रिलेशनशिप एसोसिएशन अमंग एंटिटीज, ठीक है। अब फोर्थ जो चीज़ होती है वो होती है कार्डिनलिटी, तो उसको हम बाद में समझेंगे। अब एंटिटी जो है, इस डायग्राम को हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, वो भी हम बाद में समझेंगे, जब तक कि हम एंटिटीज के टाइप्स नहीं समझते, एट्रीब्यूट के टाइप्स नहीं समझ पाते, ठीक है, और रिलेशनशिप के टाइप्स नहीं समझ पाते, कार्डिनलिटी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एंटिटीज के टाइप्स के, देख रहे हैं सर, अब एंटिटीज के टाइप्स, ठीक है। तो एंटिटी के जो टाइप्स हैं वो थ्री तरह की एंटिटीज डायग्राम में आपको मिल सकती हैं, ठीक है, ठीके? तो यान नोटेशन या फिर उसको चेन नोटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर सिर्फ रेक्टेंगुलर, ठीक है, सिर्फ रेक्टेंगल दे रखा है आपको, ठीक है, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये एंटिटी का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब एंटिटी या फिर इसको स्ट्रांग एंटिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, एंटिटी या फिर इसको स्ट्रांग एंटिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रांग एंटिटी क्या होती है, ठीक है, तो ऐसी एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की हो, ठीक है, ऐसी एंटिटी जिसके पास प्राइमरी की हो, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट की डिटेल थी, ठीक है, तो स्टूडेंट की डिटेल में एट्रीब्यूट्स हमारे जो चार एट्रीब्यूट थे, उसमें एक एट्रीब्यूट एस आई डी भी था, ठीक है। एस आई डी क्या है आपकी, एस आई डी यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है, यूनिक और नॉट नल है, ठीक है, तो ये क्या है, एक प्राइमरी की है, ठीक है। तो ऐसी एंटिटी जिसके पास क्या है, प्राइमरी की है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, एंटिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। अब बात करें वीक एंटिटी, तो वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वीक एंटिटी क्या होगी, ऐसी एंटिटी जिसके पास, ठीक है, जिसके पास क्या नहीं हो, प्राइमरी की ना हो, ठीक है, प्राइमरी की अगर ना हो तो उस एंटिटी को बोलेंगे हम वीक एंटिटी, ठीक है। तो वीक एंटिटी वैसे हम अवॉइड करते हैं कि हमें जब भी डिज़ाइनिंग करें तो कम से कम वीक एंटिटी आए, ठीक है, अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अब तीसरी जो होती है, तीसरी होती है एसोसिएट एंटिटी, ठीक है। तो एसोसिएट एंटिटी जो होती है, एक तो रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप ये डायमंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके ऊपर अगर आप बना दें रेक्टेंगल,
ठीक है, रिलेशन है डायमंड और रेक्टेंगल, ठीक है, डायमंड और रेक्टेंगल एक साथ कर दें तो इसको बोलेंगे हम एसोसिएट एंटिटी। अब ये कब बनाई जाती है एसोसिएट एंटिटी, जब रिलेशन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी समझ लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वीक एंटिटी भी आ गई, स्ट्रांग एंटिटी तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि ऐसी एंटिटी जिसमें प्राइमरी की हो, ठीक है, तो वीक एंटिटी और एसोसिएट एंटिटी दोनों हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो वीक एंटिटी और एसोसिएट एंटिटी समझने के लिए जैसे कि स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन क्या क्या है आपके पास, SID है, ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट का नाम, ठीक है, तीसरी इन्फॉर्मेशन है डेट ऑफ बर्थ, और चौथी इन्फॉर्मेशन आपके पास मोबाइल नंबर, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है आपके पास प्रोजेक्ट ID, ठीक है, और प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। अब ये दोनों जो टेबल है, ठीक है, इसमें ये प्राइमरी की है और इस टेबल में ये प्राइमरी की है, ठीक है। अब इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए एक और टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, एक और टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें ये दोनों कॉमन हो, ठीक है, ये दोनों कॉमन हो, तभी हम लिंक कर पाएंगे टेबल्स को, ठीक है। तो एक और स्टूडेंट और प्रोजेक्ट की टेबल बनाते हैं हम, स्टूडेंट और प्रोजेक्ट की टेबल बनाएंगे, और स्टूडेंट और प्रोजेक्ट की टेबल में एक SID रखेंगे और एक प्रोजेक्ट ID रखेंगे, ठीक है। ये SID और प्रोजेक्ट ID दोनों ही फॉरेन की होंगी, ठीक है, दोनों ही फॉरेन की होंगी, ठीक है। फॉरेन की क्या होती है ये हमने सारा डिस्कस कर लिया पार्ट 4th में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें, वहाँ पे की सारी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होंगी, फॉरेन की होंगी, ठीक है। तो ये टेबल जो होगी स्टूडेंट और प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें एक भी प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, इसमें एक भी प्राइमरी की नहीं है, तो ये स्टूडेंट और प्रोजेक्ट जो एंटिटी है ये हमारी क्या होगी, वीक एंटिटी होगी, ठीक है। ये स्टूडेंट और प्रोजेक्ट एंटिटी जो है वो हमारी क्या होगी, वीक एंटिटी, तो इसको क्या करेंगे, डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करें एसोसिएट एंटिटी की, ठीक है, तो एसोसिएट एंटिटी जब ये जो स्टूडेंट और प्रोजेक्ट टेबल है, ठीक है, अगर इस स्टूडेंट और प्रोजेक्ट टेबल में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हुआ, ठीक है, क्या हुआ, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हुआ, ठीक है, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है तब हम एसोसिएट एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसको करते हैं, एसोसिएट एंटिटी। अगर वन टू मैनी या फिर मैनी टू वन हुआ तो वीक एंटिटी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे एक और टेबल बना के, बट अगर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, स्टूडेंट, ठीक है, ये तो हमारी स्टूडेंट की एंटिटी है, ठीक है, और एक है हमारी प्रोजेक्ट की एंटिटी, ठीक है, प्रोजेक्ट एंटिटी। अगर स्टूडेंट और प्रोजेक्ट के बीच में रिलेशनशिप मैनी टू मैनी हुआ तो हम क्या करेंगे, एसोसिएट एंटिटी बना देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से एसोसिएट एंटिटी बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे SID, ठीक है, एक SID है और दूसरी क्या है आपकी, प्रोजेक्ट ID, ठीक है, SID और प्रोजेक्ट ID, और ये क्या है, फॉरेन की है, तो डॉट 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 इस तरीके से बना देंगे, और ये एट्रीब्यूट ये आगे भी देखेंगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए कि एसोसिएट एंटिटी कब यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और डायग्राम लास्ट में बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें हमको आपको बता देंगे, ठीक है। अब चौथी चीज़ होती है रिलेशनशिप, ठीक है, तो एक रिलेशनशिप होती है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, दूसरी होती है वीक रिलेशनशिप, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो रहेगी वो हमारा डायमंड सेफ रहेगा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, और अगर डबल डायमंड्स बना दिया हमने तो ये रिलेशनशिप होगी वीक रिलेशनशिप, ठीक है, वीक रिलेशनशिप। अब ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और वीक रिलेशनशिप हमें कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, तो जब हम दो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ को जोड़ेंगे, ठीक है, दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को जोड़ेंगे, मतलब वो सारी एंटिटी जिसके अंदर क्या हो, प्राइमरी की हो, जैसे स्टूडेंट और प्रोजेक्ट दोनों के अंदर ही प्राइमरी की है, ठीक है, तो इसको हम क्या जोड़ेंगे, डायमंड से जोड़ देंगे, ठीक है। बट अगर दोनों एंटिटी या फिर एक एंटिटी, इसमें से अगर एक एंटिटी जिसके अंदर वीक, ठीक है, जो कि वीक एंटिटी हो, जिसके अंदर प्राइमरी की ना हो, ठीक है, तो उसको जोड़ेंगे हम किससे, डबल डायमंड से, ठीक है, वीक रिलेशनशिप से, ठीक है। तो डबल डायमंड कहाँ पे यूज़ करेंगे, डबल डायमंड जिसके वीक रिलेशनशिप, ठीक है, तो एक टेबल जहाँ पे जिसमें प्राइमरी की ना हो, वीक एंटिटी हो, वहाँ पे आप क्या करेंगे, डबल डायमंड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एंटिटी, जो तीन टाइप्स की एंटिटी थी उनके नोटेशन हमने देख लिए, उसी प्रकार से दो टाइप्स की जो रिलेशनशिप है, जिसको कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और एक वीक रिलेशनशिप है, ठीक है, वीक रिलेशनशिप वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को लिंक करने के लिए, और जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स नोटेशन, ठीक है। तो सिंपल, अगर एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ओवल शेप से,
ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट में ये सारे एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, तो जैसे एट्रीब्यूट एस आई डी है, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर दिया हमने, एस आई डी को रिप्रेजेंट कर दिया ओवल से, ठीक है, ओवल से, ठीक है, एस आई डी को रिप्रेजेंट, अगर कोई भी एट्रीब्यूट हो तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओवल से, जैसे नेम है, नेम को भी रिप्रेजेंट कर दिया ओवल से, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को भी रिप्रेजेंट कर दिया ओवल से, ठीक है, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर दिया हमने ओवल से, ठीक है, ये मोबाइल नंबर है इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया ओवल से, ठीक है, तो एट्रीब्यूट जो भी होंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे ओवल से, और एंटिटी कौन सी है इसमें, स्टूडेंट टेबल में एंटिटी कौन सी है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, फिर इनको जोड़ देते हैं डाइग्राम में, ठीक है, ये इस तरीके से हमने इनको जोड़ दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल जो एट्रीब्यूट उसको रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, अब बात करते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को हम डबल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, तो मल्टी, मल्टी का मतलब क्या होगा, दो से ज़्यादा, ठीक है, दो और दो से ज़्यादा वैल्यू रखने वाले एट्रीब्यूट, ठीक है, तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब दो और दो से ज़्यादा वैल्यू रखने वाले एट्रीब्यूट्स को डबल ओवल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक जो स्टूडेंट है, इस टेबल की अगर बात करें तो एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट के हो सकते हैं, एक स्टूडेंट के पास दो मोबाइल नंबर हो, दो फ़ोन हो उसके पास, या फिर एक फ़ोन हो जिसमें दो सिम हो, ठीक है, तो एक स्टूडेंट के पास दो मोबाइल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, तो एक स्टूडेंट के पास दो मोबाइल नंबर, ठीक है, तो एक एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो दो है, ठीक है, मोबाइल नंबर दो हो सकते हैं एक स्टूडेंट के, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, तो इस मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को डबल ओवल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की। यहाँ पे अब थर्ड जो एट्रीब्यूट है वो है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, और स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में एक इन्फॉर्मेशन है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मोबाइल नंबर हुआ, एसआईडी हुआ, नेम हुआ और डीओबी हुआ, ठीक है, तो ये सारी जो डिटेल है, ये सारी की सारी डिटेल टेबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगी और ये स्टोर हो जाएगी हमारे डेटाबेस में, ठीक है, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी, मतलब फाइल्स के फॉर्म में, फिजिकल स्टोरेज में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, इन एट्रीब्यूट्स को आप स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो, स्टोर हो डेटाबेस में, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स की, ठीक है, तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, वो एट्रीब्यूट्स होंगे जिनकी वैल्यूज जो है डेटाबेस में स्टोर ना हो, ठीक है, जिनकी वैल्यू डेटाबेस के अंदर स्टोर ना हो बट उनको ड्राइव किया जा सके, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एज की, ठीक है, तो एज जो है एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट इसलिए क्योंकि इसको अगर निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में से माइनस करेंगे आज की जो करंट, ठीक है, करंट जो ईयर है, ठीक है, करंट जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ में से माइनस करेंगे करंट डेट को तो आपका एज एट्रीब्यूट आ जाएगा, ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट जिसको कि स्टोर्ड एट्रीब्यूट से, फिर जो एट्रीब्यूट दिए होते हैं उसमें से निकालें, ठीक है, ऐसा एट्रीब्यूट जिसको कि स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स में से निकाला जाए वो आपका होता है ड्राइव एट्रीब्यूट, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, इसको स्टोर नहीं करते डेटाबेस में, इसको निकालते हैं, ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट क्या हुआ आपका, ठीक है, डॉटेड ओवल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, डॉटेड ओवल, ठीक है, तो एज क्या है हमारा, ड्राइव एट्रीब्यूट, इसको डॉटेड ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फोर्थ जो एट्रीब्यूट होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है, तो कंपोजिट मतलब, कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब हुआ दो और दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट, ठीक है, अगर एक एट्रीब्यूट को, जैसे कि यहाँ अगर हम यहाँ पे बात करें नेम, ठीक है, तो नेम जो है, अब एक नेम में ये भी हो सकता है फर्स्ट नेम हो और सेकंड नेम हो, ठीक है, तो एक एट्रीब्यूट को जब हम दो पार्ट्स में और डिवाइड कर देते हैं या फिर फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, तो एक एट्रीब्यूट जो है कंपोजिट, इस एट्रीब्यूट्स को क्या बोलेंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट,
ठीक है, इस एट्रीब्यूट को बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो नेम जो हुआ कंपोजिट एट्रीब्यूट हुआ, क्योंकि नेम जो है नेम को दो पार्ट, दो और एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर दिया, एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। ठीक है, तो ऐसा एट्रीब्यूट जिसको फर्दर और डिवाइड कर दिया जाए जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना किसमें, कंपोजिट एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जिसमें दो से ज़्यादा वैल्यू। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर, दो मोबाइल नंबर हो सकते हैं एक के। ठीक है, और जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है वो जो एक एट्रीब्यूट है उसी एट्रीब्यूट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, अब फिफ्थ जो एट्रीब्यूट है वो है हमारा की एट्रीब्यूट। ठीक है, तो की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि एस आई डी है। ठीक है, तो एस आई डी जो है वो हमारी प्राइमरी की है, तो उसके नीचे हम सिंपल सी अंडरलाइन लगा देंगे। ठीक है, एस आई डी के नीचे सिंपल अंडरलाइन लगा देंगे। ठीक है, सिक्स्थ जो है वो है पार्शियल की एट्रीब्यूट और डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, तो पार्शियल की एट्रीब्यूट और डिस्क्रिमिनेटर अगर हमें रिप्रेजेंट करना है फॉरेन की को, ठीक है, तो फॉरेन की को जैसे कि अगर पूरी टेबल बनाएंगे तो एक जो स्टूडेंट और प्रोजेक्ट आई डी बनेगी। ठीक है, स्टूडेंट और प्रोजेक्ट आई डी जो बनेगी उसमें स्टूडेंट और प्रोजेक्ट आईडी में हमने आईडी जो ले रखी है स्टूडेंट प्रोजेक्ट आईडी में, ठीक है, उसमें हमने ले रखी हैं एक तो एसआईडी ले रखी थी, ठीक है, और एक लेकर रखी थी प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, तो ये एसआईडी और प्रोजेक्ट आईडी दोनों फॉरेन की हैं, तो फॉरेन की के लिए आप डैश डैश डैश, ठीक है, नीचे अंडरलाइन करेंगे डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये पांचों एट्रीब्यूट थे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जैसे सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। ठीक है, तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होगा, वो एट्रीब्यूट जिसके सिर्फ एक ही वैल्यू जो ले। ठीक है, जैसे एटॉमिक वैल्यू ले। ठीक है, तो सारे वो क्या होंगे, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। जैसे कि अगर मान लो एस आई डी एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट भी है। ठीक है, एस आई डी एक सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट भी है। ठीक है, तो ये सारे थे एट्रीब्यूट्स। हम बात करेंगे रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी के डिफरेंस की, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स के बीच में बहुत से लोगों को इनका मीनिंग पता नहीं रहता और इसको समझ नहीं पाते अच्छी तरीके से। ठीक है, तो रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी बहुत ही अलग चीज़ है। ठीक है, अगर बात करें रिलेशनशिप की, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ रिलेशनशिप टाइप, ठीक है, कितने टाइप्स की रिलेशनशिप होती हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो टाइप्स हो, एक यूनरी रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है, बाइनरी रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है, टर्नरी रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है, और एन अरी रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, अगर दो एंटिटी की बात करेंगे, मतलब दो एंटिटी के बीच की बात करेंगे तो वो बाइनरी रिलेशनशिप होगी, तीन एंटिटी की बात करेंगे तो टर्नरी होगी, और एन की बात करेंगे मतलब एन एंटिटी की बात करेंगे तो एन अरी होगी, और अगर एक ही एंटिटी की एक ही एंटिटी से रिलेशनशिप हो तो उस टाइप की रिलेशनशिप को यूनरी रिलेशनशिप बोलते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, और इस स्टूडेंट को, ठीक है, इसी स्टूडेंट को दूसरा स्टूडेंट पढ़ाता है। ठीक है, तो इस स्टूडेंट को टीचर्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दी रिलेशनशिप टीचर्स। ठीक है, एक स्टूडेंट को दूसरा स्टूडेंट पढ़ाता है। ठीक है, एक स्टूडेंट को दूसरा स्टूडेंट पढ़ाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब एक ही एंटिटी यूज़ करी तो ये क्या हो गई, हमारी यूनरी रिलेशनशिप। अब दो एंटिटी मतलब ये दो एंटिटी हैं, एक स्टूडेंट है और एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, बाइनरी रिलेशनशिप। अगर तीन एंटिटी होती तो टर्नरी, और एन एंटिटी होती तो एन अरी। ठीक है, अब कार्डिनलिटी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कार्डिनलिटी क्या है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक जो स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, इसी प्रकार एक प्रोजेक्ट को बहुत सारे स्टूडेंट बना रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिलेशनशिप है, जैसे कि मैनी स्टूडेंट, ठीक है, और मैनी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन जो रहती है वो होती है हमारी कार्डिनलिटी। ठीक है, अब बेसिकली कार्डिनलिटी की डेफिनेशन क्या है और इसको किस तरीके से समझेंगे वो हम देखते हैं। तो कार्डिनलिटी की डेफिनेशन है, डिफाइन द नंबर ऑफ एंटिटीज इन वन एंटिटी सेट विच कैन बी एसोसिएट विद द नंबर ऑफ एंटिटी ऑफ अदर एंटिटी सेट इन अ रिलेशनशिप सेट। ठीक है, तो कार्डिनलिटी बेसिकली वो डिफाइन कर रहा है, जैसे कि एक ये एंटिटी का सेट है। ठीक है, एक एंटिटी का सेट है, बी भी एक एंटिटी का सेट है। एंटिटी का सेट का मतलब ये मान लीजिए आप, एक एंटिटी हमारी स्टूडेंट एंटिटी थी। ठीक है,
और दूसरी एंटिटी थी हमारी प्रोजेक्ट एंटिटी। ठीक है, अब जब मैं बोल रहा हूँ एंटिटी का सेट, ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट एंटिटी होंगी बहुत सारी, ठीक है, इसी प्रकार इसमें प्रोजेक्ट एंटिटी होंगी बहुत सारी। ठीक है, तो एक स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट है, ये भी एक स्टूडेंट है, ये भी एक स्टूडेंट है, ये भी एक स्टूडेंट है, ये एक प्रोजेक्ट है, ये भी एक प्रोजेक्ट है, ये भी एक प्रोजेक्ट है, ये भी एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको आप इंस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर समय में जो जो डेटाबेस स्टोर है, जो भी डेटाबेस स्टोर है एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर समय में, ठीक है, तो अगर मैं इस एंटिटी की बात करूँ तो इसमें चार इंस्टेंस है, और इस एंटिटी की बात करूँ, इस एंटिटी सेट की बात करूँ तो इसमें भी चार इंस्टेंस है। ठीक है, तो हमारी कार्डिनलिटी क्या बोलती है? कार्डिनलिटी ये बोलती है कि एक एंटिटी सेट में एक एंटिटी का, ठीक है, दूसरी एंटिटी सेट में दूसरी एंटिटी से क्या रिलेशनशिप है उसको हमारी कार्डिनलिटी डिस्क्राइब करती है। ठीक है, एक एंटिटी सेट में, ठीक है, एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी सेट में दूसरी एंटिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमारी कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट करती। अगर वो रिलेशनशिप 1-to-1 है, 1-to-1 रिलेशनशिप ये मतलब है कि इसकी जो एक एंटिटी होगी, ठीक है, उसका सिर्फ एक ही एंटिटी से रिलेशनशिप होगा, इसी प्रकार इसकी ये एक एंटिटी है तो इसका एक ही एंटिटी से रिलेशनशिप होगा, इस प्रकार के रिलेशनशिप को 1-to-1 रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 1-to-many की बात करें, ठीक है, तो एक एंटिटी सेट, एक ही जो एंटिटी है, ठीक है, उसका रिलेशनशिप बी की एंटिटी के जो एंटिटीज होंगी वो दो से ज़्यादा एंटिटी में उसका रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो इस तरीके के रिलेशनशिप को 1-to-many रिलेशनशिप बोलेंगे। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं हम। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो मैनी प्रोजेक्ट बनाता है। ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रहा है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एक स्टूडेंट वर्क्स, ठीक है, काम कर रहा है, या फिर ठीक है, एक स्टूडेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैनी, और यहाँ पे लिख देंगे वर्क्स ऑन। ठीक है, तो अब इसमें ये तो एक एंटिटी है, ये भी एक एंटिटी है। ठीक है, और ये जो 1-to-m, ठीक है, तो 1-to-many रिलेशनशिप है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट किया हमने कार्डिनलिटी से। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ ये कौन सी रिलेशनशिप टाइप है, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप टाइप है क्योंकि दो एंटिटी यूज़ की गई हैं, तो बाइनरी रिलेशनशिप टाइप है। ठीक है, तो मेनली यही चीज़ थी, कन्फ्यूज़न रहता है इसमें रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी के बीच में। ठीक है, अब 1-to-1 रिलेशनशिप, एक तो 1-to-1 रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है, दूसरी हमने पढ़ी 1-to-many, ठीक है, तीसरी क्या हो सकती है? 1-to-many, मतलब इसकी जो एक एंटिटी, इसकी बहुत सारी एंटिटी होंगी जिसका एक ही एंटिटी में रिलेशनशिप हो, तो 1-to-1 रिलेशनशिप होगा। अब 1-to-many रिलेशनशिप होता है एक जिसमें क्या होगा, इसकी बहुत सारी एंटिटी का रिलेशनशिप इसकी एक एंटिटी से होगा, और इसकी बहुत सारी एंटिटी का रिलेशनशिप इसकी एक एंटिटी से होगा, तो वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होगी। ठीक है, जैसे ये देख लेते हैं डायग्राम। ठीक है, तो मैनी टू वन, ठीक है, तो मैनी टू वन का मतलब क्या होगा? इसकी मैनी मतलब 1-to-2, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये एक एंटिटी है और ये एक एंटिटी है। ठीक है, तो दो एंटिटी का एक ही एंटिटी से रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये क्या हुआ? Many-to-1, ठीक है, Many-to-1। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जैसे Many-to-1 है, ठीक है, तो यहाँ पे एक एंटिटी का, ठीक है, अगर यहाँ से बोलेंगे तो एक एंटिटी का, ठीक है, यहाँ पे एक एंटिटी का मैनी एंटिटी से रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मैनी एंटिटी का सिर्फ एक एंटिटी से रिलेशनशिप होगा। ठीक है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है, वाइस वर्सा। ठीक है, Many-to-1 मतलब मैनी एंटिटी, मतलब दो एंटिटी का एक एंटिटी से रिलेशनशिप हो सकता है, और यहाँ पे एक एंटिटी का मैनी एंटिटी से रिलेशनशिप होगा। इसी प्रकार Many-to-many रिलेशनशिप की अगर बात करें, ठीक है, तो मैनी एंटिटी मतलब एक एंटिटी का, ठीक है, यहाँ पे एक एंटिटी का मैनी एंटिटीज है, ठीक है, एक एंटिटी का मैनी एंटिटीज है। ठीक है, तो Many-to-many दोनों तरफ आ गए, तो यहाँ पे Many-to-many रिलेशनशिप में ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये चार तरीके की आपकी कार्डिनलिटी में रिलेशनशिप होती हैं। ठीक है, ये चार तरीके की रिलेशनशिप कार्डिनलिटी में होती है 1-to-1, ठीक है, जब एक एंटिटी सेट में एक एंटिटी का रिलेशनशिप सिर्फ एक एंटिटी से हो। ठीक है, 1-to-many, ठीक है, 1-to-many में क्या होता है? जब एक एंटिटी सेट का,
ठीक है, एक एंटिटी सेट में एक एंटिटी का बहुत सारी मतलब बहुत सारी एंटिटीज से रिलेशनशिप हो बी में, ठीक है। इसी प्रकार मैनी टू वन, मैनी टू वन में क्या होगा, जब बहुत सारी एंटिटीज सेट ए की, ठीक है, उनका रिलेशनशिप बी की एक ही एंटिटी से हो तो उसको क्या बोलेंगे, मैनी टू वन। और मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी में क्या होगा, जब मैनी एंटिटीज़ का रिलेशन सिर्फ एक एंटिटी से हो और यहाँ पे भी बी सेट की मैनी एंटिटीज़ का रिलेशन सिर्फ एक एंटिटी से हो तो उस प्रकार के रिलेशनशिप को मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कार्डिनलिटी। अब एक पार्टिसिपेशन बचा है वो और देखते हैं। अब बात कर रहे हैं पार्टिसिपेशन की, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन की अगर बात करें तो एनी एंटिटी में भी पार्टिसिपेटेड इन ए रिलेशनशिप आइदर टोटली और पार्शियली, ठीक है। तो कोई भी एंटिटी रिलेशनशिप में या तो वो टोटली पार्टिसिपेट कर सकती है या फिर वो पार्शियल पार्टिसिपेट कर सकती है। तो टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या है ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो नोटेशन की बात करें तो टोटल पार्टिसिपेशन के लिए आप डबल लाइन से जोड़ें, ठीक है, रिलेशनशिप को एंटिटी से डबल लाइन से जोड़ें, ठीक है। और पार्शियल पार्टिसिपेशन के लिए सिर्फ सिंगल लाइन नोटेशन, ठीक है। तो इस डायग्राम से ही समझते हैं कि पार्टिसिपेशन जो टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें प्रोफेसर है, प्रोफेसर गाइड्स स्टूडेंट, ठीक है। तो एक प्रोफेसर जो है वो मेनी स्टूडेंट्स को गाइड्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो टोटल पार्टिसिपेशन डबल लाइन से दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक स्टूडेंट को गाइड किया जाएगा, ठीक है, मतलब हर एक स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व होगा। जब मैं टोटल पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हूँ मतलब हर एक एंटिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर एक एंटिटी की बात कर रहा हूँ मतलब हर एक स्टूडेंट इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। जब हम पार्शियल की बात कर रहे हैं तो पार्शियल में हर एक नहीं आएगा, ठीक है, पार्शियल में वही प्रोफेसर आएगा जो स्टूडेंट को गाइड करेगा, ठीक है। तो पार्शियल में सारी नहीं आएंगे, सिर्फ वही प्रोफेसर आएगा जो स्टूडेंट को गाइड करेगा, और टोटल सॉरी पार्शियल में वही आएंगे जो प्रोफेसर उसको गाइड करेंगे, बट पार्शियल में सारे स्टूडेंट आ जाएंगे टोटल में, ठीक है, टोटल में सारे स्टूडेंट आ जाएंगे जिनको गाइड किया जाएगा प्रोफेसर के द्वारा, और पार्शियल में सिर्फ वही प्रोफेसर आएंगे जो कि गाइड करेंगे स्टूडेंट को, ठीक है। तो ईआर हमारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे एक और चीज़ पूछी जाती है, एंटिटी और ईआर डायग्राम और ईईआर डायग्राम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ईआर डायग्राम तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है और उसको इनहेंस्ड कर दिया जाए, ठीक है, इनहेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है, तो ईईआर होता है इसका, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इनहेंस्ड का मतलब ये है कि उसमें और एडिशनल फीचर जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो ईआर डायग्राम के जो फीचर्स थे उसमें और फीचर्स को ऐड कर दिया गया, जैसे कि इसमें इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस और यूनियन, ठीक है, तो इनको जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ईआर डायग्राम और ईईआर डायग्राम में क्या डिफरेंस है, तो इनहेरिटेंस और यूनियन का फीचर ऐड कर दिया गया है ईईआर में, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ आती है, ठीक है, तो इनहेरिटेंस बेसिकली इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं कंसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो ये पार्ट है आपका ईईआर का, ठीक है, क्योंकि इनहेरिटेंस और यूनियन जो है वो बेसिकली ईईआर में ऐड किए गए फीचर्स हैं, ठीक है। तो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन यूज़ किया जाता है इनहेरिटेंस में, ठीक है, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन यूज़ किया जाता है इनहेरिटेंस में, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जनरलाइजेशन क्या है, ठीक है, तो जनरलाइजेशन ये कि जैसे कि एक पर्सन एंटिटी है, स्टूडेंट एंटिटी है और टीचर एंटिटी है, ठीक है। तो पर्सन जो है, पर्सन इज अ स्टूडेंट भी हो सकता है और टीचर भी हो सकता है, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट और टीचर को ऐड करते हैं, ठीक है, दो एंटिटी स्टूडेंट और टीचर को ऐड कर दें तो एक जनरल एंटिटी बन जाएगी हमारे पास, वो है पर्सन, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर दोनों को मिला के एक एंटिटी तैयार कर ली, मतलब इसको जनरलाइज कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जनरलाइजेशन, ठीक है, जनरलाइजेशन, ठीक है, दो एंटिटी क्योंकि स्टूडेंट भी एक पर्सन है और टीचर भी एक पर्सन है, ठीक है। तो ये दोनों एंटिटी को मिला के अगर एक एंटिटी बना दें तो वो हो जाती है हमारे, ये बन गई हमारी पर्सन, ठीक है, इसी को बोलते हैं जनरलाइजेशन। और जनरलाइज उसको, इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, जो अप्रोच यूज़ करी हमने वो करी बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है बॉटम अप अप्रोच
किस में यूज़ करते हैं, तो वो जनरलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या किया हमने, दो एंटिटी को जोड़ी, ठीक है, नीचे से ऊपर गए हम, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, दो एंटिटी को जोड़ के एक एंटिटी बनाई पर्सन, ठीक है। स्पेशलाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि अब जो पर्सन है, ठीक है, अब पर्सन जो है वो एक टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, सॉरी हाँ स्टूडेंट भी हो सकता है और टीचर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको स्पेशलाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक एंटिटी को दो पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, टॉप टू, ठीक है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है, टॉप टू बॉटम अप्रोच, या अप टू बॉटम बोल सकते हैं इसको, और इसको भी बॉटम टू अप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन, इन दोनों को यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस में, ठीक है, इनहेरिटेंस में एब्स्ट्रैक्शन को हाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे ईआर डायग्राम और ईआर डायग्राम। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग नोटेशन में जो यूज़ कर सकते हैं आप, बट उनको उनको उनसे रिलेटेड पूछा नहीं जाता ज़्यादा, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये चेन नोटेशन है, ठीक है, चेन नोटेशन, या फिर इसको और ईआर नोटेशन भी बोल सकते हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। कार्डिनलिटी जो डिफाइन की है इसमें इस तरीके से, ये देखें, जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसमें एन एम्प्लॉय, ठीक है, तो एक कंपनी में एन एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो एम टू एन मतलब मैनी एम्प्लॉय मैनी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप दे रखी है एम टू एन, मैनी एम्प्लॉय मैनी कंपनी में काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैनी का मतलब क्या है, ठीक है, मैनी का मतलब ये है कि मैनी में आपका ज़ीरो भी आता है, ठीक है, वन भी आता है, टू भी आता है, अप टू एन, ठीक है, हो सकता है एक भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा हो एक भी प्रोजेक्ट पे, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है मैनी में, ठीक है। बट हमें क्या करना है, ज़ीरो इंक्लूड नहीं करना, तो हम वन टू एन रिलेशन, वन टू एन कार्डिनलिटी भी कर सकते हैं, एम टू एन भी कर सकते हैं, ठीक है, मैनी टू मैनी भी कर सकते हैं, वन टू वन कर सकते हैं, ये सारी हमने पढ़ ली थी टाइप्स, ठीक है। अब ये चेन स्टाइल तो हमें पता है, इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग नोटेशन पूछी जाती है, जैसे कि मार्टिन स्टाइल, ठीक है, मार्टिन स्टाइल इस तरीके की आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, वन टू वन, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन मैंडेटरी, ठीक है, तो ये वन लिख देते हैं यहाँ पे। स्टार का मतलब होता है मैनी से, ठीक है, जो हम चेन नोटेशन में मैनी यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे स्टार यूज़ करते हैं मार्टिन की स्टाइल में, ठीक है, ये मार्टिन स्टाइल, मार्टिन का नोटेशन, ठीक है। तो स्टार का मतलब होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैनी का मतलब क्या होता है, ज़ीरो टू एन, ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार, ठीक है, अगर वन डॉट डॉट स्टार कर दिया मतलब एक तो कंपलसरी है, वन टू मैनी का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ठीक है। ज़ीरो टू वन अगर ले लिया तो ज़ीरो टू वन मतलब ये है कि या तो ज़ीरो या फिर वन, ठीक है, ये ऑप्शनल है, या तो ज़ीरो होगा या फिर वन होगा। इसी प्रकार आप पैरेंथेसिस में ज़ीरो वन लिख सकते हैं, ठीक है, वन ज़ीरो लिख सकते हैं पैरेंथेसिस में, ठीक है, ज़ीरो ज़ीरो लिख सकते हैं, वन वन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जल्दी से बता दिया मैंने, ये मार्टिन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसके अलावा एक और रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती है जिसको बोलते हैं वॉचमैन स्टाइल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वॉचमैन स्टाइल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि एक फील्ड सर्कल यूज़ कर लेता है, मतलब एक एक अगर एक एक सर्कल यूज़ किया तो वन टू वन रिलेशनशिप है, ठीक है, और ज़ीरो रिप्रेजेंट करने के लिए ये खाली, बाकी ये वॉचमैन पूछी नहीं जाती। सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, चेन स्टाइल, ठीक है, चेन नोटेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा लगभग सभी चीज़ें हमने ईआर डायग्राम में कवर्ड कर ली, ठीक है, और एक बड़ा सा वीडियो बना दिया है आपके लिए। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आपका।